नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। सरायकेला खरसावां जिला के सदर अस्पताल परिसर से आज फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीए आईडी अभियान का शुभारंभ जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला के द्वारा स्वयं फलेरिया की दवा खाकर किया गया। इस दौरान श्री शुक्ला ने कहा कि फलेरिया उन्मूलन अभियान में जन सहभागिता जरूरी है। अभियान के सफल संचालन के लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों, स्थानीय जन प्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त करें। इस दौरान उपायुक्त ने अभियान के सफल संचालन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी दवा प्रशासक अभियान के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु शत प्रतिशत योग्य लोगों को मानक के अनुसार दवा खिलाना सुनिश्चित करे, साथ ही एमडीए की सही रिपोर्ट कार्यालय में सासमय उपलब्ध कराए। इस क्रम में उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न माध्यम से फलेरिया के लक्षण और उसके बचाव एवं उसकी दवा के सेवन के प्रति लोगों को जागरूक करें। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अजय सिन्हा ने बताया कि फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 10 से 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसमें 10 अगस्त को बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। उस दिन सभी महत्वपूर्ण जगहों पर बूथ लगाकर लोगों को दवा का सेवन कराया जाएगा। इसके बाद 11 से 25 अगस्त तक घर घर जाकर दवा प्रशासक लोगों को दवा का सेवन कराएंगे। इस कार्यक्रम में 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा गंभीर रूप से बीमारी व्यक्तियों को दवा का सेवन नहीं करना है। जिले में आज आईडीए राउंड का प्रारंभ किया गया है। आईडीए के अंतर्गत 3 तरह की दवाइयां खिलाई जाती हैं, आइवरमेक्टिन, डीसी और साथ में एल्बेंडाजोल। और ये 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक हमारे जिले में चलेगा अभियान। इसमें आज बूथ पर दवा का सेवन कराया जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में फिर डोर टू डोर कैंपेन चला करके दवा का सेवन कराया जाएगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सकेगा। सभी लोगों के माध्यम से मेरा सभी सरायकेला वासियों से अनुरोध है कि आने वाले समय में आप अपनी योग्यता के अनुसार आप एलिजिबल हैं तो आईडीए का सेवन अवश्य करें। थैंक यू सर। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।